वही आज तारीख है 7 जून और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। और फाइनली आज मैं निकल रहा हूँ चोरपोलाता में थोड़ा सा घूमने के लिए। कल मैं गया था घूमने के लिए लेकिन उसका कुछ वीडियो नहीं बनाया मैंने, सो आज जाऊँगा। आज सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ लेक के पास में, और आज थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है तो शायद फ़ोटोज़ भी अच्छे आ जाएंगे, वीडियोज़ भी अच्छे आ जाएंगे। आपको दिखा देता हूँ मेरे पीछे के पहाड़ अगर दिख रहे हो तो, जैसे यहाँ से निकलते हैं इस साइड में पहाड़ है और उस साइड में लेक है। सो पहाड़ तो वैसे चारों तरफ ही है लेकिन यहाँ से बिल्कुल एकदम पास में ही है पहाड़। और उसके अलावा सामने की तरफ आपको एक मस्जिद दिख रही होगी, उसके पीछे भी पहाड़ है बहुत सारे। और अभी हम लोग इस तरफ चल के जा रहे हैं जहाँ पर है लेक। तो भाई यहाँ पर स्टे काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरा, बस एक थोड़ी सी दिक्कत है कि बिल्कुल ही बेसिक फैसिलिटी है यहाँ पर। सो अगर आप लोग उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे तो हो सकता है कि आपको ये अच्छा नहीं लगे, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। मतलब एक तो सबसे पहले तो वॉशरूम बहुत दूर है, उसके बाद में जनरली सब जगह पर आपके रूम में वॉशरूम होगा या फिर रूम के थोड़ा सा पास में होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, रूम से काफ़ी दूर है वॉशरूम। और उसके बाद यहाँ पे किचन है, फ्रिज है, तो वो सब आप यूज़ कर सकते हो, तो वो एक सबसे अच्छा फ़ायदा है यहाँ का। और बाकी तो यार क्या बताऊँ, बाकी सब कुछ इतना बेसिक है मतलब कि अगर मैं हॉस्टल से कंपेयर करूँ या फिर बड़े होटल से कंपेयर करूँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कोई होटल नहीं है, ये इनका घर ही है और उसको इन्होंने गेस्ट हाउस बनाया है, तो उस वजह से ये काफ़ी एक तरीके से घर जैसा आपको फील देगा, होम स्टे जैसा। बस आपके लिए एक अलग से रूम है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे पीछे साइड में आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा शॉप है, दुकान है, और कल तो वो बंद थी तो मैं देख नहीं पाया, आज अगर टाइम मिला तो वो छोटी सी दुकान पर विज़िट कर लूँगा। और बाकी सामने की तरफ एक सुपरमार्केट है जो जिसको भी ये लोग बोल रहे हैं कि वो मिनी मार्ट है, तो वो मिनी मार्ट से कल मैंने खाने का लिया था और आज भी लंच मेरा वहीं से होने वाला है। तो कल मैंने अपना लंच के लिए, डिनर के लिए और आज सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए ले लिया था, और उसके अलावा आज फिर से अब जाऊँगा या फिर लेक से आते समय और फिर लूँगा वहाँ से। तो ये सामने है मिनी मार्ट और अभी हमको जाना है वहाँ पर लेक के लिए। तेज़ हवा चल रही है और बिल्कुल इस रोड से थोड़ा सा ही चल के मैं आ गया हूँ। यहाँ इस साइड में मेरे बीच है और पीछे आपको थोड़ा बहुत पहाड़ के नज़ारे दिख रहे होंगे, तो काफ़ी सही है वो पहाड़ भी। और अगर आज मौसम अच्छा रहा, स्काई क्लियर रहा, तो मैं आपको पहाड़ भी अच्छे से दिखा पाऊँगा। और अभी तो मैं पहले आपको बीच दिखा देता हूँ, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा यहाँ से बीच पर जाने का रास्ता है, सामने की तरफ आपको दिख रहा होगा ऐसी कुल लेक। देखो इस साइड में आगे जाके बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं और होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन वो सब इसी को लेक के पास में है, मतलब इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। लेकिन मेरा जो हॉस्टल है, मेरा जो गेस्ट हाउस है, वो मेरे एकदम मेन रोड पर है। सो आप जब भी बस से आओगे, अगर आप काराकोल से आओ तब भी या बिश्केक से आओ तब भी, सो आप चल के आराम से पहुँच सकते हो गेस्ट हाउस पर अपना बस स्टेशन से, आफ्टर वग्जाल से। सो उस मामले में गेस्ट हाउस काफ़ी अच्छा है और एकदम सेंट्रली लोकेटेड है, लगभग 1 किलोमीटर ही दूर है सेंटर से। सो काफ़ी इजी होगा आपके लिए वहाँ पर चल के जाना। और वही जैसे मैंने बताया कि आपका जो यहाँ पर मेन म्यूज़ियम है वो यहाँ से एकदम पास में है मेरे गेस्ट हाउस से, 2 किलोमीटर ही है। कल मैं चल के गया था वहाँ पर, आज भी जाने वाला हूँ। कल मैंने देखा तो नहीं था, कल बारिश होने लगी थी तो। और उसके अलावा ये बीच देख सकते हो आप, एकदम पास में ही है। और बस अभी बीच पर अपन चल के जाते हैं और काफ़ी सही नज़ारे है भाई। मतलब मैं जैसे ही यहाँ पर नीचे आया था अभी 1 सेकंड के लिए, तो सबसे पहले मैंने अपना कैमरा निकाल लिया क्योंकि मैं कुछ भी नज़ारे मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि इतने प्यारे व्यूज़ हैं यहाँ पर। और कल बहुत ज़्यादा बादल थे उस वजह से ये सब नज़ारे मुझे दिख नहीं रहे थे,
लेकिन आज पूरा स्काई क्लियर है, लेकिन दोपहर तक हो सकती है बारिश ऐसा दिखा रहा है वेदर फोरकास्ट में। इस वजह से मैं अभी जल्दी निकला हूँ फटाफट नहा धो के, इसी को लेक के आसपास के रीजन में रहना है मुझे अगले 15 दिन तक। सो आई विल ट्राई टू शो एज मच एज आई कैन। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं पहले बहुत बड़ी गलती कर रहा था डायरेक्ट काराकोल जाके, क्योंकि काराकोल पर एक बड़ी सिटी है इस जगह से, लेकिन उस हिसाब से सारी जगह यहाँ पर लेक के आसपास की जितनी भी है वो सारी जगह देखने लायक है। सो किसी भी जगह को मिस करना मतलब बहुत कुछ मिस कर रहे हैं अपन। सो अभी आपको मेरे सामने का व्यू दिखा देता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ तक चल के आया, बाकी रास्ता उस साइड से है। सो पहले ये देख लो आप, वही जो मैं बता रहा था, ये सब रिजॉर्ट या फिर किसी होटल के प्रॉपर्टी है, और फिर नीचे वहाँ पर कोई मेरे ख्याल से याच क्लब है, और यहाँ पर काफ़ी सारी बोट्स अभी आते जाते दिखती रहती है, अगर कोई दिखेगी तो मैं आपको बताऊँगा। और वो पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन मैं पूछूँगा हॉस्टल में, गेस्ट हाउस में। यार हमेशा मैं हॉस्टल में रहता हूँ, इस वजह से ये हॉस्टल ही निकल रहा है बार बार। अभी गेस्ट हाउस में रह रहा हूँ, और अगली जगह भी जहाँ रहूँगा वो शायद तक हॉस्टल ही होने वाला है। पर यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि आपको हॉस्टल नहीं तो होम स्टे नहीं तो गेस्ट हाउस कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा रहने के लिए, और प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया से कंपेयर करो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन जगह से कंपेयर करो तो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस है। मतलब इस जगह पर रहने के लिए मैं सिर्फ 400 रुपये दे रहा हूँ एक दिन के। सो नॉट बैड एट ऑल। और यह है बीच पर जाने का रास्ता। और दूसरी चीज़ आपको बतानी थी कि इंडिया में अभी इस समय पर काफ़ी गर्मी है, अभी जून का महीना चल रहा है, और लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी जुलाई में अगस्त में, और वो यहाँ का समर सीज़न रहता है। सो अभी यहाँ का टेम्परेचर जैसे मैंने आपको बताया कि रात को 15-13 डिग्री 12 डिग्री इतना पहुँच जाता है, और अभी भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 20 के आसपास ही है, लेकिन धूप है और ठंडी हवा चल रही है। सो उस हिसाब से टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है यहाँ पर। सो इस वजह से अभी यहाँ पर कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, वरना समर सीज़न में यहाँ पर मेन सबसे ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और इस जगह की पॉपुलेशन है चोलपनौता की करीब 11,000 या 10,000 लोग, और यहाँ पर उतने ही ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं इन समर सीज़न में। सो वो ज़्यादातर लोकल्स ही रहते हैं, क्योंकि फॉरेनर्स को इन जगह के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, सो वो लोग आते नहीं हैं, वो लोग डायरेक्ट काराकोल जाते हैं अपना हाइकिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए। पर ये जगह ज़्यादा फेमस है स्विमिंग के लिए, तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर बीच पर चल के, और अभी सही नज़ारे भाई, इतना नीला पानी मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं थाईलैंड भी गया था लेकिन साउथ में नहीं गया था, मैं सीधा वहाँ पर माउंटेन्स में गया था। मैं निकल रहा हूँ इस बीच से, और बस अभी थोड़े बहुत लोग आए यहाँ पर, लेकिन मैं चेकआउट करता हूँ आगे की तरफ जाके कोई और बीच है क्या जहाँ पर ज़्यादा लोग हों, या फिर इससे थोड़ा अलग नज़ारा हो, क्योंकि एकदम छोटा सा ही बीच है। और बस यार मेरी इच्छा हो रही है थोड़ा आगे जाके देखते हैं दूसरे बीच पर, और मेनली तो मुझे फ़ोटोज़ भी लेने हैं यहाँ पर, यहाँ पर थोड़े बहुत फ़ोटोज़ ले लिए मैंने, सो आई होप आपको अच्छे लगेंगे। और बस आगे की तरफ चल के जाता हूँ और फिर बताता हूँ आपको। तो मैं फिर से थोड़ा सा आगे चल के आया हूँ यार, लेकिन नज़ारे देखो आप। तो मैं फाइनली भाई इतना दूर से वापस से चल के आ गया हूँ, ये पीछे वाली रोड जाती है बीच पे, और ये मेरे जो इस साइड में पीछे वाली रोड है ये जाती है मेरे गेस्ट हाउस पे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आगे एक मस्जिद है, वो मस्जिद देख लेता हूँ, और उसके अलावा यहाँ पर एक लेनिन का स्टैचू है वो भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना गेस्ट हाउस में जाऊँगा और फिर लंच करूँगा, और फिर शायद शाम के वक्त या फिर दोपहर में जैसा भी मौसम रहा उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ के दूसरे
पेट्रो गल्फ म्यूज़ियम पे। और यहाँ पे एक और हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है, लेकिन वहाँ पर जाने की इच्छा नहीं है मेरी, क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर यार कुछ दिखा नहीं पाता मैं आप लोगों को, और भी मतलब कि एंट्री फीस लग जाती है वहाँ पर। सो देखता हूँ, मतलब अभी कुछ कन्फर्म नहीं है हुआ, तो वो वाले म्यूज़ियम में भी जाऊँगा, लेकिन पेट्रो गल्फ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है यार, काफ़ी ज़्यादा पुरानी, मेरे ख्याल से 2000 BC के वहाँ पर स्टोन्स मिले हैं, और वो अभी भी वैसे के वैसे रखे हुए हैं, मतलब उनको उठा के किसी एक इंडोर प्लेस पे नहीं रख दिया है, उसको जैसे वो आउटडोर में थे वैसे के वैसे अभी तक रखे हुए हैं, और बहुत सारे स्टोन्स हैं। कल मैं गया था वहाँ पर, लेकिन बारिश हो गई थी जैसा मैंने आपको बताया, सो कुछ शूट नहीं किया मैंने, और कैमरा भी नहीं ले गया था मैं, सिर्फ वैसे ही वॉक करते करते और चला गया था मैं। सो अभी यहाँ पर एक मस्जिद है, तो पहले आपको मस्जिद दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी ज़्यादातर लोग मुसलमान ही हैं, और बिल्कुल बचे कुचे बिल्कुल थोड़े से लोग हैं जो रशियन हैं, बाकी ज़्यादातर यहाँ पर जो मैंने इंटरनेट पर देखा उसके हिसाब से पता पड़ा है कि यहाँ पर ज़्यादातर रिच कजाक लोग रहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो तो रहते ही हैं, लेकिन जो यहाँ के रिजॉर्ट्स वगैरह हैं वो बहुत रिच लोगों के हैं उस हिसाब से, इसलिए इतने बड़े बड़े और इतने महंगे महंगे रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पर। मैं देख रहा था कल 1-2 लाख रुपए पर नाइट के हिसाब से भी यहाँ पर कमरे हैं, तो काफ़ी महंगे रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पर, और अगर इतने महंगे रिजॉर्ट्स हैं तो आप सोच सकते हो इसके ओनर्स कितने रिच होंगे। तो ये मेरे पीछे आपको दिख रही होगी, ये यहाँ की मस्जिद है, और ये मस्जिद मुझे इसलिए पता है क्योंकि जो मेरा गेस्ट हाउस है वो यहाँ से पास में है, सो उन्होंने स्पेशली मैसेज किया था कि आप यहाँ पर मस्जिद के पास में उतर जाना, लेकिन मैं वहाँ पर उतरा नहीं था, मैं आगे चला गया था और फिर बस स्टॉप से वापस से चल के आया था। पर ये यहाँ की मस्जिद है, मुझे पता नहीं कि ये यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है, यहाँ पर एक ही मस्जिद है या फिर कितनी मस्जिद है कुछ नहीं पता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी मस्जिद लगी मुझे, क्योंकि इसका डोम बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मैं चल के आ गया हूँ यहाँ पर इंडिपेंडेंस स्क्वायर के सामने, ये जस्ट मेरे सामने इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, और इसी के जस्ट सामने एक छोटा सा लेनिन का स्टैचू है, छोटा इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी स्टैचू देखे वो काफ़ी बड़े थे, और ये सिल्वर कलर का है। सो ये है यहाँ का लेनिन का स्टैचू, चोल प्रणता में। फाइनली एक और लेनिन का स्टैचू देख लिया है मैंने, और ये सबसे अलग है क्योंकि ये सिल्वर कलर का है और काफ़ी छोटा है, और बाकी स्टैचूज तो मैंने देखे थे वो रशिया में थे, उसके अलावा एक बिश्केक में देखा था, लेकिन वो भी काफ़ी बड़ा स्टैचू था जो आपको मिल जाएगा अलाटू स्क्वायर पर, और उसके बाद अब ये वाला स्टैचू देख रहा हूँ। तो लेनिन का इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये सोवियत टाइम पर ही बसी हुई सिटी है या बसा हुआ पूरा देश है, सो काफ़ी टाइम तक ये सोवियत यूनियन के अंडर था, और उसी वजह से लेनिन का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और काफ़ी जगह पर आपको लेनिन के स्टैचू दिख जाएंगे अभी भी सोवियत कंट्रीज़ में। और उसके अलावा अब जब ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, सो अब आपको यहाँ का कल्चर और यहाँ का जो भी सब कुछ है वो आपको वापस आता हुआ दिख जाएगा, लेकिन अब उसमें मिक्स हो गया थोड़ा बहुत रशियन, और उसी वजह से यहाँ की लैंग्वेज भी चेंज हो गई है, और साथ ही साथ बोल सकते हो आपकी यहाँ अब यहाँ पर लोग ज़्यादातर रशियन बोलते हैं, जैसा कि मैंने देखा था बिश्केक में बहुत कम लोग वहाँ पर किर्गिज लैंग्वेज बोल रहे थे, बल्कि रशियन ज़्यादा बोल रहे थे, और वही जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ भी इंडिया जैसा है कि अभी इस समय पे ये लोग सोचते हैं कि अगर आपको रशियन आती है तो आप ज़्यादा एजुकेटेड हो, और अगर आपको सिर्फ किर्गिज में बात करते हो सो आपको बैकवर्ड या फिर विलेज का समझते हैं। सो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ का इंटरनेट बोल रहा है, और यहाँ के कुछ लोगों से मैंने बात भी करी है, सो उस वजह से थोड़ा बहुत ऐसा सीन है यहाँ पर जो भी इंडिया में है इंग्लिश और हिंदी का। और मेरे सामने यहाँ पर एक बड़ा सा मार्केट है, सो सोचा ये मार्केट भी देख लेता हूँ, उसके बाद जाते हैं अपने गेस्ट हाउस में।